शहबाज शरीफ को जमानत में तौसी मिलेगी या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर हाई कोर्ट में पेश। खुद को सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान आया, नहीं चाहता था कि कहा जाए, वापस ना आने के बहाने बना रहा हूं। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। जब रेफरेंस फाइल हो चुका तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। नैब हुकाम ये तय करके बैठे हैं कि शहबाज शरीफ कपड़े साथ लेकर आए। शहबाज शरीफ ने आज तक किसी रिकॉर्ड में हेर फेर नहीं किया। एक ही मामले पर बार बार गिरफ्तारी कानून की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ के वकील के दलाई। शहबाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान और रहनुमाओं की हाईकोर्ट आमद। कारकुनान की जबरदस्ती अदालत जाने की कोशिश। ख्वाजा इमरान नजीर के पुलिस एहलकारों के साथ तल कलामी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासी जमातों रियासती इदारों में मुहाजराई अच्छी बात नहीं, मामलात को सुलझाएं तो NRO के ताने दिए जाते हैं। राणा सनाउला ने कहा कि शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमात में इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत का कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं। टेस्ट रन मुकम्मल, अगले माह के आखिर तक ऑरेंज ट्रेन चलाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब से चेयरमैन CPAC अथॉरिटी की मुलाकात। पंजाब में जारी CPAC मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। ज़राई शोबे के फरोग के लिए रिसर्च पर मजीद फोकस करने का भी ऐलान। उस्मान बुज़ार कहते हैं CPAC को शिफाफियत और तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा पाक चीन इक्तसादी राहदारी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। पंजाब में ज़राई शोबे के बेपनाह मौके हैं। वजीर आला पंजाब से वजीर हायर एजुकेशन की भी मुलाकात। दूर दराज इलाकों में यूनिवर्सिटीज के कयाम पर तबादला ख्याल। क्या हुकूमत मेट्रो बस मंसूबे से बेजार हो गई। बल्कि जीने खराब, टिकट मशीन गैर फाल, स्टेशन की छतें भी टूट फूट का शिकार। बैरियर्स टोकन से खुलने की बजाय बंद कर दिए गए। मुसाफिर कहते हैं कि ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर जबूहाली का शिकार है। मेंबर गवर्निंग बॉडी मास ट्रांसिट अथॉरिटी सादिया सुहेल राणा कहती हैं कुछ ही दिनों में मेट्रो बस के ट्रैक पर नई बसें नजर आएंगी, स्टेशन की मरम्मत का काम भी करवाया जाएगा। मेट्रो बस मंसूबे की जबूहाली, नून लीग ने मामला ऐवान में उठा दिया। लीगी रुकन रबिया नुसरत ने तहरीके इल्तवा कार जमा करवा दी। अवाम को सहूलतें देने वाला मंसूबा खंडर बन रहा है। अक्सर मेट्रो स्टेशन पर गंदगी के ढेर लग चुके। हुकूमत जानबूझकर मेट्रो बस सर्विस को बंद करने के दर पे है। तहरीके इल्तवा कार का मतलब तब्दीली। सरकार में खेलों के फरोग का मंसूबा ठप होकर रह गया। खेल के मैदानों में अब सरकारी बाबुओं के घर बनेंगे। जनूबी पंजाब के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन पर सरकारी दफातर और रिहायशगाहें बनाने की मंजूरी दे दी गई। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की 504 किनाल अराजी सेक्रेटेरिएट को मुंतकिल कर दी गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान के लिए सिर्फ 80 किनाल अराजी बच गई। सेक्रेटरी कॉलोनीज पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। आटा चीनी की सूरत हाल में तब्दीली ना आ सकी। सरकारी कंट्रोल रेट वाले आटे की फराहमी इंतहाई कम। अक्सर दुकानों पर 10 से 20 किलो आटे के थैलों की किल्लत बरकरार। खुला सुर्ख आटा 60 से 65 रुपए और फाइन आटा 80 रुपए किलो में फरोख। चक्की का देसी आटा 76 रुपए किलो बिकने लगा। चीनी की परचून मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख जारी।
सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की मुश्किलात कम न हो सकी। PIA की टिकटें बदस्तूर नायाब। PIA ने फर्जी नामों से टिकट बुक करके एजेंट्स को फरोख कर दी। कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहे, मुसाफिरों का इल्जाम। तर्जुमान PIA कहते हैं जिनका अहकाम 26 सितम्बर तक खत्म होना है वो पहले टिकट खरीद लें। आइंदा चंद रोज में 25,000 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी, जल्द मुसाफिरों का रश खत्म कर देंगे। ZigZag टेक्नोलॉजी पर भट्टों को मुंतकिल न करने पर कार्रवाई होगी। शहरों में कूड़ा करकट जलाने पर दफा 144 नाफिज की जाए। फसलों की बाकियात को जलाने पर मुकदमा दर्ज और जिम्मेदार गिरफ्तार होगा। आलूदगी फैलाने पर फैक्ट्रीज को पहले नोटिस बाद में सील कर दिया जाएगा। चेयरमैन माहौलियाती कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। हाईकोर्ट में स्मोक पर बरवक्त काबू ना पाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समा। सरकारी जमीनें वागुजार करवाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। कब्जा माफिया के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएं। IG पंजाब ने तमाम पुलिस अफसरान को मुरासला भिजवा दिया। IG पंजाब इनाम बनी कहते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हफ्तावार रिपोर्ट भी ली जाएगी। मुलजिमान की पुश्त पनाही करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन होगा। सरकारी जमीन वागुजार करवाने के लिए मुतल्लिका महकमों को भी साथ लिया जाएगा। पोलियो के कतरे पिलाए, बच्चों को माजूरी से बचाए। इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज लाहौर में 15,74,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। और महविश हयात का मेहनती खवातीन की हिम्मत को बढ़ाने का पैगाम जारी। कहती हैं बाहिम्मत खातून अपने मुस्तहकम इरादों से हमेशा कामयाबी हासिल करती है।